Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लव तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। भोपाल आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये गोलियां किसी गैंग बार में नहीं चली, बल्कि पुलिस ने अपने बचाव में हवाई फायरिंग की। दरअसल पुलिस आज सुबह करौंद स्थित ईरानी डेरे पर तीन आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देने पहुंची थी। पुलिस को छापेमारी के दौरान सिर्फ एक आरोपी मिला। पुलिस जब उसे लेकर जा रही थी, तभी जवानों की पर तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को खुद की बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सागर घुरई का एक आरोपी है, वहाँ पे कुछ ठगी करके आया था। सागर की पुलिस आई थी वहाँ और उसको सायदार से टोकल बल भी गया था। वहाँ पे जब वो आरोपी को लेकर के आ रहे थे, कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान करने का प्रयास किया। उस दौरान जो है उन लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन लोग व्यवधान जिन लोगों ने उत्पन्न किया था उनके विरुद्ध 353 के प्रकरण। सर गोली भी चलने की सूचना है, ऐसा कुछ है? अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बट ऐसा वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और कोई भी ऐसी किसी को चोट किसी प्रकार की नहीं। लेकिन सर खुराई की पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है पब्लिक को? उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ये इशू जो है अभी मेरी जानकारी में नहीं है, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर ऐसा है तो भी उसको भी जो है हम लोग अपनी डायरी में सबमिट। पुलिसकर्मी सर कुछ घायल हुए क्या? नहीं, कोई भी घायल नहीं। दरअसल सागर से पुलिस धोखाधड़ी के तीन आरोपियों को पकड़ने के लिए भोपाल पहुंची थी। खुराई पुलिस ने भोपाल के निषादपुरा और छोला पुलिस की मदद ली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरोपियों में से एक को पकड़ा, स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। उनके ऊपर मिर्ची पाउडर भी फेंका गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को छोड़ा नहीं और उसे थाने लेकर आई। फिलहाल पुलिस बाकी बचे दो आरोपियों की तलाश कर रही है, जबकि पुलिस वालों पर हमला करने वालों की भी पहचान की जा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।